एक हमारी दुनिया है जहाँ पे चीजें खत्म ही नहीं होती है, तनाव है तो बढ़ता ही जाता है, ट्रैफिक है जो कि रुकने का नाम नहीं लेता है, और तो और ये जो काम का प्रेशर है ये भी बढ़ता जाता है, खर्चों की तो आप बात ही मत करो और महंगाई का तो नाम ही मत लो, सब आसमान छू रहे हैं। हाँ, लेकिन आसमान से याद आया कि आसमान की दुनिया में ना शायद बहुत ही कमाल की चीजें होती होगी, कितना खूबसूरत है, ग्रह इधर उधर चक्कर लगा रहे होते हैं, सूरज अपना काम कर रहा होता है बढ़िया तरीके से, तारे टिमटिमा रहे होते हैं, और पुच्छल तारे के बारे में भी आपने सुना होगा या कभी देखा होगा, तारे टूटते हुए आपने देखे होंगे, उल्का पिंड की पृथ्वी से टकराने और अर्थ पर गिरने जैसी खबरें भी आपने जरूर पढ़ी होगी, लेकिन आपको शायद इनके बारे में ये जानकारी ना हो कि ये एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स, उल्का पिंड यानी कि मिटराइट और उल्का यानी कि मिटर्स होते क्या है। इसीलिए आपको इस बारे में इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज क्विक सपोर्ट ने ये वीडियो बनाया है। तो आइए सबसे पहले एस्टेरॉइड के बारे में जानते हैं। एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह एक स्पेस रॉक होती है, ये सोलर सिस्टम में मौजूद एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होती है जो सूरज के चारों तरफ घूमती है, इसे एक छोटे प्लैनेट के रूप में भी समझ सकते हैं। एस्टेरॉइड का अर्थ स्टार जैसा होता है, तो क्या सभी एस्टेरॉइड एक ही साइज में पाए जाते हैं? जहाँ तक इनके साइज की बात है तो ये कई रेंज में मिलते हैं। कुछ एस्टेरॉइड छोटे पत्थर जितनी साइज के होते हैं तो कई एस्टेरॉइड बहुत ही बड़े विशाल होते हैं, जैसे 600 मील तक फैले हुए हो। अब बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने एस्टेरॉइड मौजूद हैं? तो इसका जवाब ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्टेरॉइड मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर एस्टेरॉइड मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। मेन एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में स्थित एरिया में होते हैं, क्षेत्र में होते हैं। इस रीजन के अलावा भी कई जगह पर एस्टेरॉइड्स मौजूद रहते हैं, जैसे कई प्लैनेट्स के ऑर्बिट पाथ पर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एस्टेरॉइड और प्लैनेट दोनों एक ही रास्ते पर चलते हुए सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी अर्थ के पास ऐसे एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। तो क्या सभी एस्टेरॉइड्स एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी एस्टेरॉइड्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये सूरज से अलग अलग दूरी और लोकेशन पर बनते हैं। अब अगर बात की जाए कि इनका शेप कैसा होता है, तो इनकी शेप प्लैनेट्स की तरह गोल नहीं होती है, बल्कि इररेगुलर होती है, किसी भी साइज में एड़ी टेढ़ी मेढ़ी। इसी के साथ, क्या एस्टेरॉइड्स केवल रॉक से बनते हैं? तो इसका जवाब है कि ज्यादातर एस्टेरॉइड्स तो अलग अलग तरह की रॉक से बने होते हैं, जबकि कुछ एस्टेरॉइड्स में क्ले या निकल और आयरन जैसे मेटल भी होते हैं। तो इतना कुछ जानने के बाद में अब सवाल अगर ये है कि क्या एस्टेरॉइड स्टडी से साइंटिस्ट को कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ ऐसी बात पता चलती है जो काम की हो, तो एस्टेरॉइड से साइंटिस्ट को सन यानी कि सूरज और प्लैनेट्स की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता चलता है, क्योंकि एस्टेरॉइड की फॉर्मेशन भी उसी टाइम हुई है जब सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हुई है, इसीलिए काफी सारी जानकारियाँ मिलती है। इसी के साथ एस्टेरॉइड के बारे में तो काफी कुछ हमने जाना, अब जानते हैं कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स यानी धूमकेतु फ्रोजन गैसेस, रॉक और डस्ट से बने कॉस्मिक स्नो बॉल्स होते हैं। एस्टेरॉइड की तरह कॉमेट भी सूर्य की परिक्रमा करता है। कॉमेट को ही पुच्छल तारा भी कहा जाता है। जब कॉमेट फ्रोजन होते हैं तब इनका साइज एक स्मॉल टाउन जितना होता है, लेकिन जैसे जैसे कॉमेट सन के नजदीक जाता है वैसे वैसे गैसेस और डस्ट वेपोराइज होनी शुरू हो जाती है, और ये वेपोराइज्ड गैसेस और डस्ट कॉमेट की टेल बनती है, और हमें ऐसा लगता है कि अरे ये देखो उसकी पूंछ दिखाई दे रही है। तो आई एम श्योर कि पुच्छल तारे को क्यों पुच्छल तारा कहते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, कॉमेट के तीन पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, क्रोमा और टेल। कॉमेट का सॉलिड कोर न्यूक्लियस कहलाता है। ये कॉमेट जब सन के बहुत क्लोज आ जाता है तब इसका न्यूक्लियस एक कोमा डेवलप करता है, जिसकी एक या ज्यादा टेल्स होती है। कोमा ऐसा डस्टी क्लाउड होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर बनता है, और टेल सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला कॉमेट का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। अब आगे अगर बात की जाए कि नॉन कॉमेट्स की संख्या कितनी है, क्या नंबर्स है, तो कॉमेट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिनमें से अरबों कॉमेट्स तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन अभी तक नॉन कॉमेट्स की संख्या लगभग 3,618 है। तो अगला सवाल अगर जहन में ये है कि कॉमेट्स यानी पुच्छल तारे अपनी लाइट से चमकते हैं, तो इसका जवाब है कि कॉमेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, और कॉमेट में जो आपको लाइट दिखाई देती है वो असल में सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जानने के बाद में सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या हम कॉमेट को देख सकते हैं? कई बार कुछ कॉमेट्स अर्थ के बहुत नजदीक आ जाते हैं और तब इन्हें देखना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। कब और किस टाइम ये बताना मुश्किल है।
एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में जान लेने के बाद अब जानते हैं मीटियोरॉइड्स, मीटियर्स और मीटराइट के बारे में। मीटियोरॉइड्स यानी कि उल्का पिंड के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। ये उल्का पिंड स्पेस रॉक्स होती है, यानी स्पेस में पाई जाने वाली चट्टाने। इनका साइज बहुत तरह का होता है। ये डस्ट ग्रेन जितनी स्मॉल भी होती है और छोटे एस्टेरॉइड की साइज में भी पाई जाती है। ये सभी उल्का पिंड ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में टूट जाते हैं या फिर ब्लास्ट हो जाते हैं। इसीलिए कुछ उल्का पिंड कॉमेट से आते हैं, तो कुछ एस्टेरॉइड से और कुछ मीटियोरॉइड से, तो कुछ मून और दूसरे प्लैनेट से भी आते हैं। मीटियोरॉइड्स रॉक्स तो होती ही है, लेकिन कुछ मीटियोरॉइड्स मेटालिक भी होते हैं और कई रॉक और मेटल के कॉम्बिनेशन में भी पाए जाते हैं। अब आगे बात करें कि मीटियर्स क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं। जब ये मीटियोरॉइड्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं या फिर मार्स जैसे किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तब इनकी स्पीड बहुत तेज होती है और ये जल जाते हैं। और जलने के बाद में ये मीटियोरॉइड्स मीटियर्स यानी उल्का कहलाते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है और कई बार इनकी चमक वीनस से भी ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें फायर बॉल्स भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीटियोराइट क्या होता है। जब एक मीटियोरॉइड स्पेस में अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के बाद भी जलता नहीं है और अर्थ पर आकर गिरता है, तब उसे मीटियोराइट कहा जाता है। वैसे आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि हर दिन लगभग 48.5 टन मीटियोरॉटिक मटेरियल अर्थ पर गिरता है। तो दोस्तों, क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि स्पेस से जुड़ी ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आगे भी ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां आपको मिलती रहे तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कर सकते हैं। आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। और इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, धन्यवाद।